sir, the Standing Committee on Agriculture and its report on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and evaluation on 10th August 2021 has highlighted several key issues, and including it's one of the important things it's mentioned is delays in settlement of the insurance claims by the farmers. And it is a very complicated process also to get the claims. And for example, my constituency Thoothukudi, during last December 2023, we had unprecedented floods, and many of the farmers have insured their crops, but even after 7 months, they have not got the money to get from the insurance, and they're still waiting. And in your reply, the minister has said that they do not plan. There's no proposal for constituting a committee of experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the minister reconsider that, because it is quite complicated, because it has to be district-wise. Unless crop failure is district-wise, sometimes they do not give insurance. It's very complicated. So, to simplify it further, will they consider constituting a committee? And also, I'd like the minister to reply about Thoothukudi farmers also. Thank you, sir. Very good, very good. Very good question. Maniya Adhyaksh Mahoday, Yojana Pure Desh Ke Har Jile Ke Har Kisan Ke Liye Hai. योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था, अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया, और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पर 12% की पेनाल्टी लगेगी जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंग कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा।
जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है।